नमस्कार मित्रों, रात के 12 बजे से एक बार फिर से देश में नया परिवर्तन आने वाला है। नोटबंदी के बाद एक बार फिर से आप सुनेंगे, भाइयों बहनों, देश की खुशहाली के लिए सरकार एक और कदम उठाने जा रही है। अच्छा, समझ में नहीं आता है कि रात में 12 बजे ही क्यों? क्या कोई आप डकैती डाल रहे हैं क्या? वास्तव में लगता है जैसे हमारी जेब पर डाका ही डाला जा रहा है। एक आम आदमी को जीएसटी से क्या मिलने वाला है, ये सोचने वाली बात है। टैक्स बढ़ जाएंगे। अब देखिए, हम 1,000 से ऊपर की शर्ट खरीद एक आम आदमी नहीं खरीद सकता जीएसटी आने के बाद, क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा लग गए हैं। अब कभी कभार एक गांव का किसान जाता था, पीटर इंग्लैंड की शर्ट खरीद लेता था, वुडलैंड के जूते खरीद लेता था और एहसास कर लेता था थोड़ी देर की वास्तव में हम भी अमीर हैं। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब शायद उसे सोचना पड़ेगा, वो नहीं जा पाएगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे गरीबी में ही रहना सरकार सिखा रही है। वास्तव में उसे गरीबी में ही रहना चाहिए। अमीर तो दूसरे लोग हैं जो सारे तरह की सुविधाएं उठाते हैं। अब देखिए, आम आदमी की नजर में जीएसटी क्या है? सबसे पहला फुल फॉर्म उसका देखिए, ग्रेट सरकारी तमाचा। दूसरा, गाय को सरकारी ट्रिब्यूट। तीसरा, घर संसार तबाह। चौथा, ग्रेट सरकारी ठुल्लू। पांचवा, गौ सेवा ट्रस्ट। सुदीप भोला जी ने बताया, गुल्लक सबके तोड़ेंगे। एक अवधि फुल फॉर्म देखिए, गदहा सवेरे टर्रान। अच्छा, इस फर्क क्या पड़ेगा जीएसटी आने से? सबसे पहला फर्क प्रेम पे पड़ेगा। गांव का जो प्रेम होता था वो तो चलो चलेगा, पनघट वाला प्यार, छप्पर के पीछे वाला प्यार, झाड़ियों वाला प्यार। लेकिन जो शहरी प्यार है, जो अर्थशास्त्र पर आधारित है, ये गड़बड़ा जाएगा। 72% प्यार बचेगा, बाकी का 28% जीएसटी में कट जाएगा। क्योंकि लग्जरी आइटम पे जो भी गर्लफ्रेंड के होते हैं उस पे सब पे जीएसटी सरकार ने लगा दी। तो एक तो ये रोमियो बंदी कर दी, आधी आस की वहां जड़ गई। नोटबंदी कर दी, थोड़ा बहुत प्रेम जो बचा था वो नोटबंदी में समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? अब जीएसटी आ गया है, तो प्रेम तो भूल ही जाइए आप। अच्छा, जीएसटी कोई समझ नहीं पा रहा हमारे हिंदुस्तान में। समझेगा भी कैसे? टीवी पर देखिए, शौच और शौचालय के ऐड करने पड़ते हैं। विद्या बालन आती है, बताती है, तब आदमी समझ पाता है। और जीएसटी ऐसे कैसे कोई समझ सकता है? अब चार पंक्तियां मुझे। अच्छा, और देखिए, जीएसटी एक ऐसा कानून है जिसमें नियम तैयार नहीं है, व्यापारी तैयार नहीं है, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, सरकारी तंत्र तैयार नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं तैयार है और सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई तैयार नहीं है। तो इस तरह से लागू कर दिया जा रहा है, लागू कर दिया जाएगा। जैसे नोटबंदी हो गई वैसे जीएसटी भी जनता झेल ही लेगी। अब देखिए, हमारे ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ लाद दिया जा रहा है। चार पंक्तियां देख लीजिए कि आप तो भाई मालिक हैं कि लीडरों से, बाबुओं से, अफसरों से लाद दो। लीडरों से, बाबुओं से, अफसरों से लाद दो। तेल, चीनी, दाल की बढ़ती दरों से लाद दो। आप हैं मालिक हमारे, हम फकत गधे तेरे। लाद दो जी, लाद दो हमको, करों से लाद दो। तो एक और कर हमारे ऊपर लाद दिया गया है। हम सब, आप सब, आगे क्या होगा खुद ही देखेंगे। खुशखबरी ये है कि शराब पर कोई जीएसटी नहीं लगी है, शराब के दाम यथावत रहेंगे। लेकिन अगर आप घर के बच्चों को बिस्कुट पिलाना चाहते हैं, दूध पिलाना चाहते हैं, उनको घी खिलाना चाहते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। शराब के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये सरकार कितनी बढ़िया है, कितना अच्छा कार्य कर रही है। आइए हम सब जीएसटी को झेलते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करते हैं, क्योंकि हम सब तो आखिर देशभक्त ही है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।